बेड हमारा आ चुका है और मैं चल रही हूँ आपको दिखाने, जो कि नीचे गाड़ी आई है, पता नहीं क्या है, जतिन चला गया, जतिन के पापा गए, तो देखते हैं और चलते नीचे। तू भजन मत उठा अभी ना, कैसा भी सर, अभी तेरी मन है भजन उठाने का। मेरे को नहीं पता नहीं, अभी यहीं रख ले थोड़ी देर, मामा अभी मैं खिलाऊंगी वह कमरा। तू नीचे चलो जब प्रांश वो देख देख के आराम से। अकेले छोटे देखा तो इसका सराहना ये आया है और अभी इसको करेंगे सेट, अभी सेट नहीं हुआ है। और इसकी ये आ गई पिलाई बेड की, तो इसको पहले लेके आ चुके हैं और दोबारा से लेके आए इसे, तो अभी इसको सेट कर देंगे जब मैं आपको दिखा दूँगी कैसा लग रहा है। और स्टील का ये की वाल लगा ले, मच्छर आ जाएंगे। चप्पल अपनी इधर साइड में कर दे, बस आ जा ले, हट गए। आराम तो लगा की बार, अरे हिंदे बाबू भाई हिसाब तो लग रहा है। अरे हम गुरु जी को सीख रहा हूँ, लग तो धागा और ये मंगलसूत्र एक दूसरे में फंस गया था, तो प्रांशु ठीक कर रहा है। मैं कर रही थी बहुत देर से, तो मेरे से हो नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, प्रांश ने ठीक कर दिया। तो मैं और प्रांश यहाँ पे बैठे हैं और प्रांश के पापा और जतिन लगा रहे हैं बेड, मेरे एलआईसी के सारे दोस्त देख रहे हैं। प्रांश के जो भी दोस्त देख रहे हैं, प्रांश कुछ कहना चाहोगे अपने फ्रेंडों के लिए? पहले यहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ पे प्रांशु के दोस्त भी थे और प्रांशु अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। अगर प्रांशु का कोई भी दोस्त देख रहा हो तो प्रांशु कमेंट करे, कमेंट करे और प्रांशु को बताए, मैं देखता हूँ। ठीक है तो चले चलते हैं अभी और देखते हैं। बोलो बोलो, अभी थोड़ी थोड़ी रुक के जाऊंगी मैं, अभी शोरगुल कर रहे हैं वो। ठीक है तो बेड हमारा आ चुका है और जब से आए हम
हमारे पास गद्दे थे और गद्दे बिछा के हम सो रहे हैं, फिर परेशान हुए। कभी ज़िंदगी में हम ऐसे नहीं सोए, लेकिन अब हमें सोना पड़ गया, क्या करें। तो फिर भी मतलब देखो खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक टेबल खरीदी, चेयर खरीदी, ये वाली चेयर खरीदी, और ये अगर मैंने दिखाई थी चॉकलेटी कलर की वो वाली खरीदी। तो सामान तो खरीदा ही जा रहा है और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गए हैं। तो हमें जाना था अभी प्रांशु की शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पर निजापुर में तैयारी हो गई। आज मैंने साड़ी भी पहन ली, नीचे ही दुकान देखते हैं उनके, नीचे अगर दुकान से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तो ले लेंगे, नहीं तो फिर बाज़ार से देखेंगे दूसरी जगह से। तो बस अभी फ़ोन आया था बेड वाले का कि बेड बन गया, अपना बेड ले जाओ। तो वो चले गए बेड लेने। तो प्रांशु के कपड़े लाना हो गए पेंसिल, तो अगर टाइम हुआ तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल जाएंगे। फिर मैं नहीं जाऊँगी, फिर इनको भेज दूँगी, अपने आप लेके आ जाऊँ। भाई कल तैयार हुई थी, मैं कल भी नहीं जा पाई, आज तैयार हुई आज भी नहीं जा पाई, तो मेरे पास अब इतना टाइम नहीं। फिर मेरे खाना बनाने के लिए लेट हो जाता बहुत ज़्यादा, और जो भी बर्तन वगैरह वो भी मांजने पड़ते, रात को किचन वगैरह साफ करते तो वो भी फिर टाइम लगता है। सब लोग सो जाते हैं, मैं अपना किचन का काम करती रह जाती हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने आप से चले जाएंगे दोनों। और प्रांशु के, प्रांशु बोल रहा मेरे पेपर ऑनलाइन हो गए, अब मतलब जो ये पेपर है इसका वो हो ऑनलाइन। ये बोला कोरोना कुछ बच्चों में कुछ पाया गया कुछ ऐसा बोल रहा है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं पता कि आधे झूठ बोलता है। तो देखते हैं, अगर एक दो दिन स्कूल इसके ऑनलाइन चलेंगे तो जल्दी पता चलेगा सही सी बात क्या है। कि कभी कभी क्या, कभी कभी कोई बात झूठ भी बोल देता है बच्चा है ना, बच्चे ऐसे करते हैं। तो ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको बेड लगने के बाद, या बेड लगाएंगे तो या लगने के बाद दिखाऊँ, जो जैसे भी रहेगा मैं दिखाती रहूँगी कैसे कैसे बेड लगाए। इतनी होते बाद में खींच लेंगे सामान, काम होंगे तू आ जा। क्या करूँ, प्रांशु ले, चल तुम दो बार लगा दी इसलिए
पिघल रहा है, दूसरा देखो जो कार है वहाँ तक नीचे आ रही है, नीचे आ रही है वो, नीचे प्रांत तो बाहर आया था, चोट लग जाएगी बेटा गिर जाएगा, देख लो सही तो सही कहते हो देखो अगर की हाल लगे कौन सा साइड में होगा मैं बोल की बोल की खा रहा हूं हां तो वो नाम मैं कूड़ा पास देखो बीच में क्या आ रहा था काम हुआ को लगाओ के कहा कि ऊपर कोई सामान है तुझे पहले निकल आ अंदर निकल आ निकल निकल कहां एक तो गिर गया पता नहीं कहां गिर गया ऐसा ही अब इसका उलट काम एक गिर है वो बोलते थे एक बार से एक तो घुमाना चाहिए एक बार से घुमाना चाहिए एक बार से दे रहा तो कह रहा एक बार से हां एक बार से दे रहा डिमरी डिमरी है डिमरी का होता है डिमरी नट पूरे अंदर पापा कर देंगे फंसा देगा और भी उतना इतु पाला नहीं पाला हां अब पाला है देखो तो यहां तक सीधा हो तो सीधे जा ऐसे ऊपर आंच हुआ ना फंस रहा मैं तो पास में हूं दादा बस बस नीचे कस नीचे वाले एक एक उठना होगा अच्छा ये पेड़ पर घुस गई पेड़ किस काम में कितना और ऊपर बलून बस 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 अब ला ये तो फिर छोटे हो जाएंगे पीच कर पीच कर बराबर मिल जाएंगे ये आगे पीछे वैसे भी बिना कसी लगी रही तो कहाँ भागी जा रही है और जब चेंज करेंगे तो बिना मतलब खेची खाची तो निकालनी पड़ेगी अरे बोल तो ना मतलब हमने कल दही भी खोली कर दी बिना कसी तो कहाँ भाग रही है ये भागने की बात ना बोल्ट खो जाएंगे या क्यों कुछ ना बोल्ट खो जाएंगे बोल्ट डाल दो कैसे तो ना हाँ What is this? Pranshu? क्योंकि पलटी करनी पड़ेगी कसने की बात Pranshu What? मैं कुछ इतना ऐसे वो लिया पेच कस पेच कस लिया हाँ एक थैला रखो पेच कस को बेस सामने यहाँ रखो किचन में थैला कहाँ है
किचन में थैला रखो स्लिप पे, हम खींच कैसे लेके चल। तो जे इधर को हिस्सा नीचे चले आ रहा है, इतना देखो ये तो नीचे है और तो ऊंचे लग रहा है। लकड़ी दब रही है, इधर लकड़ी दब रही है, इधर उतर रही है ऐसे का। अरे स्लिप पे देख ले, कट्टा ऐसा थला जो तेरे स्कूल की किताब आई नहीं वो थला है। ना तो आता भाई सही एकदम। प्रांसु तू बहुत शैतानी करता है। मम्मी तुम बैठी, तुम टेस्ट करो। मैं बाद में बैठूंगी, अभी नहीं बैठ रही। टेस्ट करो तुम पहले। कर लूंगी मैं टेस्ट, मैं ही टेस्ट करूंगी। और रोज कौन करो, मैं प्रांसु रोज टेस्ट करूंगी। जाओ पिछला पहले उतर पिछला बेटा। पिचकस कहाँ रखो तुमने? बाल्टी में, वो तो थे वो में क्रस्टर में। भांति में रिंच बजा रहा हूँ, चक जाएगा। गाइस हमारा बेड लग के हो चुका है तैयार और मैं इसको बैठ के देख रही हूँ कैसा लग रहा है। तो हमारा बेड वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक लिए बाय बाय।